बचपन से ही जब बोल नहीं सकते थे तो हमें पता नहीं था, तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि ये बोल नहीं सकते ना ही ये सुन सकते हैं। और जब ये बात हमें पता चली, मेरे वालिदिन को पता चली, तो असली कश्मकश की जो घड़ी थी वो वहीं से शुरू हो गई। उसके बाद जब ये बड़े हुए, तो उसके बाद जब इनके स्कूल की बात आई, तो जो चूँकि कश्मीर में जो डेफ एंड डम स्कूल है वो सिर्फ़ एक ही है, सोलेनाम रामबाग में, तो हम उस वक्त बाल गार्डन में रहा करते थे। बाल गार्डन से और सोलना तक की जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, और उसमें क्या था कि ऐसे बच्चे खुद नहीं जा सकते थे, तो मेरी जो मामा थी उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इनको छोड़ने की और लाने की, क्योंकि जो वो इंस्टीट्यूशन है वो इतना डेवलप नहीं है, और वो इतना डेवलप नहीं कि वहाँ पे बस सर्विसेज नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी मामा जो थी उनको इसको लाना भी पड़ता था और घर भी छोड़ना पड़ता था।